हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, उसको हम लोगों ने जाना था, इंट्रोडक्शन लिया था जस्ट, और फिर हमने शुरू किया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उसमें हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखा था। जाइलम फ्रेंड्स होता है वो मेनली वाटर और मिनरल का कंडक्शन कराता है, और फ्लोएम फूड का कंडक्शन कराता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, प्लांट में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस किस का? पहला होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो फैक्टर की हेल्प से होता है। पहला होता है रूट प्रेशर और दूसरा होता है ट्रांसपायरेशन पुल। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, वाटर कंडक्शन कौन कराता है? जाइलम। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो जाइलम होता है, जाइलम के जो वेसल्स और ट्रैकीट्स होते हैं, देखिए लीफ के ट्रैकीट्स और वेसल्स, स्टेम के ट्रैकीट्स और वेसल्स, और रूट के ट्रैकीट्स और वेसल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड होके एक कंटिन्यूअस चैनल बना लेते हैं वाटर कंडक्शन का। ठीक है, देखिए कंटिन्यूअस है ना, तो कंटिन्यूअस एक वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बना लेते हैं। कौन? इसके लीफ के ट्रैकीट्स ऑफ वेसल, स्टेम के ट्रैकीट्स ऑफ वेसल्स, और रूट के ट्रैकीट्स ऑफ वेसल्स। अब फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए जो रूट होती है, जो रूट सॉइल के कांटेक्ट में है वो क्या करती है, जो रूट के जो सेल्स होते हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में, वो क्या करते हैं? सॉइल से एक्टिवली आयंस को लेते हैं। ठीक है, तो सॉइल से एक्टिवली, जो सॉइल में जो आयंस है वो एक्टिवली कहाँ आते हैं? रूट में आते हैं। अब फ्रेंड जब सॉइल के आयंस एक्टिवली रूट्स में आते हैं तो क्या होता है, सॉइल और रूट के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब इन आयंस जैसे अभी एक्टिवली आयंस हैं सॉइल से इसमें रूट में आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बन जाता है रूट और सॉइल के बीच में। तो फ्रेंड इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को पूरा करने के लिए क्या होता है, ये जो वाटर है ना, वाटर इन जाइलम में, वाटर इन जाइलम में ऊपर चढ़ता है। यहां पे एक फोर्स लगता है, यहां पे एक फोर्स लगता है, वो फोर्स, यही जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ना, ये एक फोर्स क्रिएट करता है जिससे पानी जो है वो ऊपर चढ़ता है जाइलम वेसल्स और ट्रैकीट्स में। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स रूट प्रेशर। ओके, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इट इज अ फोर्स दैट हेल्प्स टू ड्राइव फ्लूइड अपवर्ड। ये एक ऐसा फोर्स है जो फ्लूइड को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है, ड्राइव फ्लूइड अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से इनटू द वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल। जो वाटर कंडक्टिंग जाइलम वेसल होता है उसमें वाटर को सॉइल से ऊपर चढ़ाने में हेल्प करता है कौन? रूट प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, अब बात आती है ट्रांसपायरेशन पुल की। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रेंड सबसे पहले तो ट्रांसपायरेशन पुल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। अब फ्रेंड्स, ट्रांसपायरेशन जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसपायरेशन जो वाटर का लॉस होता है लीफ से, ठीक है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम लीफ्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक, तो फ्रेंड देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहां से वाटर लॉस हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए यहां से वाटर लॉस हुआ है तो यहाँ पे एक पानी, जो वाटर था यहाँ पे पानी की कमी होगी ना, तो फ्रेंड अब इस एरिया में पानी की कमी होगी तो ये क्या करेगा, अपने एडजेसेंट वाले, जैसे यहाँ पे पानी की कमी होगी तो ये अपने एडजेसेंट वाले, इसके जो बगल में जो जाइलम होगा, जाइलम वेसल, उससे पानी लेगा। ठीक है, अब जब यहाँ का पानी इधर आ जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे कमी हो गई तो ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले जाइलम वेसल से लेगा पानी। अब फिर यहां का पानी इधर आ गया तो यहां पे कमी हो गई तो ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले यहां से यहां आ जाएगा पानी, अब यहां पे कमी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ऐसे करते 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 करते, अब देखिए फ्रेंड जो पानी ऊपर लॉस हो गया है, अब वहां यहां पे लॉस हो गया है, इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसके पीछे वाले जाइलम वेसल में जो पानी होगा वो आगे आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करते, अब देखिए, अब ट्रांसपायरेशन की वजह से जो वाटर लॉस हो रहा है वो क्या कर रहा है, एक वाटर पे सक्शन क्रिएट कर रहा है, वाटर को ऊपर खींच रहा है, इसी को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ओके फ्रेंड्स, डेफिनेशन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्लीव,
जो लीव से वाटर का एवेपोरेशन होता है क्रिएट्स अ सक्शन, एक सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, विच पुल्स वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है, पुल करता है, कहाँ से, फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट, और ये रूट के जो जाइलम सेल हैं उनसे वाटर को अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे पानी की कमी है तो यहाँ पे पानी कमी होगी तो ये अपने बगल वाले जाइलम सेल से लेगा, ये वाला अपने बगल वाले से, ये वाला अपने, तो फ्रेंड्स ऐसे करते 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 ये जो सक्शन है, ये जो प्रेशर है, ये रूट तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड्स रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल दोनों फैक्टर मिलके हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। ओके, अब मेरी बात सुनिए, देखिए रात में क्या होता है फ्रेंड, रात के समय जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस टाइम पे रूट प्रेशर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बट दिन के टाइम पे ट्रांसपायरेशन पुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन है वो क्या होता है, लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर का लॉस होता है, वो कैसे होता है, जब सन के द्वारा एवेपोरेशन होता है, तो रात में तो सन है नहीं, ठीक है, तो दिन के टाइम पे सन होता है, उससे ट्रांसपायरेशन होता है, तो उसी टाइम पे, तो दिन के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे ट्रांसपायरेशन पुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर कंडक्शन में, और रात के टाइम पे कौन, रूट प्रेशर। तो इसी को देखिए क्या लिखा है हमने, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट, नाइट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, जब दिन का समय होता है तो स्टोमेटा खुले होते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स अ मेजर ड्राइविंग फोर्स, जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है वो मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, किसमें, इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, तो जाइलम में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसमें मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है, कौन, ट्रांसपायरेशन पुल, किस समय, दिन के समय। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।